स्पर्म भी स्टोर किए जाते हैं, एग्स भी स्टोर किए जाते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी और आपके कंसीव करने के चांसेस ज्यादा होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वुमन विद सुपर पावर। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो आया था जो कि था IVF ट्रीटमेंट के ऊपर। तो उस पर आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिला है, तो बस उसी के नक्शे कदम पर चलते आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो IVF ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में एक वरदान है या फिर कह सकते हैं एक रास्ता है। तो बस उसी के एक कदम चलते एग्स फ्रीजिंग, ये भी एक आधुनिक तकनीक आई है। तो जो महिलाएं देर से मां बनना चाहती है तो उन महिलाओं के लिए ये एक वरदान हो सकती है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि 35 एज के बाद महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि जो 25 टू 30 की एज में एग्स की क्वालिटी होती है वो क्वालिटी 35 एज के बाद कम हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आपको सता सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो ऐसे में आप एग फ्रीजिंग के द्वारा प्रेगनेंसी रख सकते हैं। तो यह एक आधुनिक टेक्निक है, लगभग 1986 में पहली बार फ्रोजन एग से सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रही है। तो उन महिलाओं के लिए यह एक वरदान है जो कि लेट प्रेगनेंसी चाहती है, कैरियर या फिर इकोनॉमिकली स्टेबल होने के बाद या फिर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण वो लेट प्रेगनेंसी चाहती है, जैसे केमोथेरेपी या फिर कैंसर ट्रीटमेंट, इस तरह के ट्रीटमेंट के कारण आप लेट प्रेगनेंसी चाहती है। तो ऐसे में आप एग फ्रीजिंग कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर जैसे ट्रीटमेंट में आपके ओरी पर परिणाम होता है जिससे आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ऐसे में अगर आप पहले एग फ्रीजिंग करती है तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग फ्रीजिंग की प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। एग फ्रीजिंग की प्रोसेस कैसे होती है, कब करवानी चाहिए, इंडिया में इसके क्या कॉस्ट लगते हैं, किसे करवानी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए बिल्कुल स्किप किए बिना, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग फ्रीजिंग क्या होता है। तो उन महिलाओं के लिए एक अवसर होता है जो 40 टू 45 एज के बाद प्रेगनेंसी चाहते हैं, लेकिन 40 टू 45 एज के बाद फर्टिलिटी पावर इतनी अच्छी नहीं होती, एग्स क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो प्रेगनेंसी रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे में जब एग्स की क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब 25 टू 30 या 35 के एज में आपकी एग्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो ऐसे में कोई भी महिला अपने एग्स को फ्रिज कर स्टोर कर सकती है और उसके बाद 8 से 10 साल तक उन एग्स को वो इस्तेमाल कर सकती है। तो फ्रिज किए हुए एग्स को वो महिला 8 से 10 सालों में कभी भी यूज़ कर सकती है। तो उन एग्स को स्पर्म के साथ मिलाकर महिला के गर्भाशय में छोड़ा जाता है। तो एक तरह से IVF ट्रीटमेंट की तरह ही ये ट्रीटमेंट होती है, लेकिन इसमें वो महिला उन एग्स का इस्तेमाल कभी भी कर सकती है। और उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि क्या एग फ्रीजिंग सुरक्षित है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 1986 में पहली बार फ्रोजन एग से बच्चा कंसीव हुआ था, तो उसके बाद से लगभग 2000 बच्चे फ्रोजन एग से कंसीव होकर जन्म ले चुके हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा कोई डाटा अब तक उपलब्ध नहीं है जो ये कह सके कि फ्रोजन एग से पैदा हुए बच्चों में कोई जन्मदोष पाया गया है। अगर आपका सवाल इस तरह का है कि क्या महिला के लिए सुरक्षित होता है, तो ये सेम IVF ट्रीटमेंट की तरह होता है। जैसे IVF ट्रीटमेंट में होता है महिला के ओवरी को स्टिमुलेशन किया जाता है, तो बस उसी तरह का इसमें भी होता है, सेम प्रोसेस होती है। तो इसमें आपके महिला के ओवरी को इन्फेक्शन या फिर ब्लीडिंग, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद एक सवाल आता है कि एग्स फ्रीज कब करवाने चाहिए। तो एग्स फ्रीज करने के सबसे बेहतरीन उम्र होती है 25 से लेकर 30 के उम्र के बीच। इसमें हो सकता है आप सबसे ज़्यादा हेल्दी हो और आपकी प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी पावर भी काफ़ी अच्छी इसमें होती है, इस एज में होती है। तो अगर आप 22 35 के एज में एग्स फ्रीजिंग करती है तो आपकी एग्स क्वालिटी अच्छी होगी और आपके कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद एक सवाल आता है एग्स फ्रीजिंग किसे करवानी चाहिए, कौन सी महिलाएं एग फ्रीजिंग कर सकती है। तो जो महिलाएं किसी भी कारणवश लेट प्रेगनेंसी चाहती है, जैसे कि अगर कोई कैंसर ट्रीटमेंट करवाना चाहता है या फिर किसी भी तरह की रेडिएशन या केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट कोई भी महिला करवाना चाहती है, तो उससे पहले उन्हें एग फ्रीजिंग करवानी चाहिए, क्योंकि बाद में ओवरी पर प्रभाव पड़ता है जिससे हो सकता है मेनोपॉज जल्दी आ जाए, या फिर जिन महिलाओं के फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड हो जिनका मेनोपॉज जल्दी आया हो 35 टू 40 की एज में, तो
ऐसे में उन महिलाओं को अगर लेट प्रेगनेंसी चाहिए तो उन्हें भी एग फ्रीजिंग करवानी चाहिए। ऐसी महिलाएं भी एग फ्रीजिंग करती है, या फिर वो महिलाएं भी जो कि काफ़ी हेल्दी है लेकिन रिलेशनशिप के चलते या फिर कैरियर के चलते किसी भी कारणवश एग फ्रीज कर सकती है। उसके बाद एक सवाल, यदि आपकी उम्र ही 38 to 40 की है और आप एग फ्रीजिंग करना चाहती है तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि बहुत से सेंटर की कट ऑफ लिस्ट ही 38 to 40 एज की होती है, क्योंकि 38 to 40 के बाद जो आपकी एग्स की क्वालिटी होती है वो 35 से पहले की जो क्वालिटी होती है उस तरह की नहीं होती, तो आपके कंस्यूम करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे में जो 40 के बाद जो एग्स हार्वेस्ट होते हैं उनके उनसे होने वाले कंस्यूम के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए बहुत से सेंटर ऐसा अलाउ नहीं करते। उसके बाद एक सवाल, गर्भावस्था के लिए कितने एग्स को फ्रीज किया जाता है? तो हर महिला 35 से पहले 10 से 20 अंडों को उत्पन्न करती है हर मासिक चक्र के साथ। उसमें से 75 to 80% एग्स, मतलब 7 से 8 एग्स फर्टिलाइजेशन के काबिल होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्स को फ्रीज़ किया जाता है, मतलब 8 से 10 एग्स को फ्रीज़ किया जाता है ताकि कंस्यूम करने के चांसेस ज़्यादा रह सके। उसके बाद एक सवाल आता है कि एग्स को कितने समय के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं? तो एग्स को नाइट्रोजन लिक्विड में 190 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जाता है, जो कि थ्योरी के अनुसार तो 8 से 10 साल या उससे भी अधिक साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि स्पर्म भी स्टोर किए जाते हैं, एग्स भी स्टोर किए जाते हैं, और एम्ब्रियो मतलब स्पर्म और एग्स को मिलाकर जो भ्रूण तैयार होता है उन्हें भी फ्रीज किया जा सकता है। तो इनकी अलग अलग उम्र होती है, जैसे कि थ्योरी के अनुसार 8 से 10 साल तक आप फ्रीज कर सकते हैं इन तीनों को भी, लेकिन जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करवाते हैं उनके अनुसार अगर 4 से 5 साल के अंदर अगर आप इन एग्स का या फिर एम्ब्रियो का या स्पर्म का यूज़ करते हैं तो आपके कंस्यूम करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो और अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। तो एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। उनमें सबसे पहला चरण आता है ओरियन स्टिमुलेशन का, उसके बाद डॉक्टर आपके फोलिकुलर को मॉनिटर करते हैं, और उसके बाद एग्स को निकालना। तो इसमें से पहले जो 2 चरण है वो सेम IVF ट्रीटमेंट की तरह ही होते हैं। इसमें डॉक्टर 7 से 10 दिनों तक आपके ओरी को स्टिमुलेशन करने के लिए आपको इंजेक्शन, हार्मोन्स के इंजेक्शन चढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्स आपके उत्पन्न हो सकें। हार्मोन्स के इंजेक्शन से ओवरी स्टिमुलेट होकर एग्स को उत्पन्न कर जल्द से जल्द एग्स को परिपक्व करती है। इसके दौरान डॉक्टर्स आपके फॉलिकल्स को मॉनिटर करने के लिए आपकी बार बार ब्लड टेस्ट या आपका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और हार्वेस्टिंग के एक दिन पहले ही डॉक्टर आपको ओवुलेशन के लिए दवाई दे सकते हैं। और फिर महिला को एनेस्थीसिया देकर बहुत ही कम खतरे वाली प्रोसीजर से एग्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब एग्स को निकालते हैं। इसमें आधे घंटे से भी कम का समय लगता है। उसके बाद तुरंत बाद अंडे को निकालने के तुरंत बाद डॉक्टर फ्रीज करने के लिए स्टोर कर देते हैं। और अब हम देखेंगे एग फ्रीजिंग की प्रोसेस में कितना खर्च आता है, कितना कॉस्ट लगता है खासकर इंडिया में। तो एग फ्रीजिंग की प्रोसेस में 2 तरह का खर्चा होता है, जैसे कि पहला IVF ट्रीटमेंट की तरह ही एग्स को निकालने के लिए जो खर्चा होता है वो जो कि होता है 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का, और उसके बाद एग्स को फ्रीज करने के लिए स्टोर करने के लिए जो खर्चा होता है वो वार्षिक रूप से होता है, जैसे कि 15,000 या 30,000 तक का होता है। और अब हम देखेंगे एग फ्रीजिंग प्रोसेस में होने वाले संभावित खतरे या फिर नुकसान। तो एग फ्रीजिंग प्रोसेस में आपके ओरी को ड्रग्स देकर उत्तेजित किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्स उत्पन्न हो सके, लेकिन हो सकता है इससे आपको ओरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो, जिससे ओरी में सूजन, दर्द या ब्लीडिंग का निकलना, क्लॉट्स का निकलना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, और एनेस्थीसिया से होने वाले खतरे वो भी एक अलग तरह के होते हैं। सो गाइज, आज के सुने में बस इतना ही। अगर आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोच रही है तो निर्णय लेने से पहले आप इसकी कॉस्ट, आप इसके फायदे, नुकसान और खतरे, इन सारी चीज़ों के बारे में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ हो। अगर आप आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल या थोड़ा भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।